एक बार चंपू एक म्यूजियम में आता है जहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसके बाद चंपू अपनी छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाने लगता है। लेकिन वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए चंपू को वो मूर्ति बनाने में बहुत साले बीत जाती है और चंपू अब तक बुढ़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब चंपू की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है और वो मूर्ति देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी, इसलिए चंपू उस मूर्ति को लोगों को दिखाने के लिए शहर के बीचों बीच में रखवा देता है और उस मूर्ति पर एक कपड़ा ढक देता है, जिसके बाद उस मूर्ति को देखने के लिए वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन आगे चंपू के साथ बहुत बुरा हो गया, जिसे देखकर आप भी हंसी के मारे लोटपोट हो जाओगे। लेकिन उसे देखने से पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारे तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किससे बचाएंगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाएंगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप पैसे को बचाएंगे तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। जिसके बाद एक जादूगर अपनी जादू की मदद से उस मूर्ति को गायब कर देता है। ये देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और चंपू की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है।